यूपी यातायात निदेशालय की तरफ से जारी की गई एडवाइजरी, 10 दिन के लिए सभी जिलों में सघन चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश। विशेष तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में चलाया जाएगा अभियान। मालवाहक वाहनों के साथ ही साथ ट्रैक्टर ट्रॉली ट्रालर डंपर पर सवारियों के लिए इस्तेमाल न करने के दिए गए निर्देश। दोषी पाए जाने पर 10,000 का लगाया जाएगा जुर्माना। सभी जिलाधिकारी के समन्वय से सभी ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव के माध्यम से चलाया जाएगा अभियान। एडीजी यातायात ने सभी जिलों के कप्तानों और जिलाधिकारियों को दिए निर्देश। पिछले दिनों लखनऊ के इटावा और कल कानपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली से हुई दुर्घटना को लेकर लिया गया संज्ञान। कांग्रेस कार्यालय पर मनाया गया बापू और शास्त्री का जन्म दिवस। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में बापू की जयंती मनाई गई। गांधी और पूर्व पीएम शास्त्री जी की जयंती मनाई गई। सांसद प्रमोद तिवारी, पीएल पुनिया ने नमन किया नसीमुद्दीन सिद्दीकी। नकुल दुबे ने भी श्रद्धांजलि दी। विधायक आराधना मिश्रा मोना ने भी श्रद्धांजलि दी। छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय खेलों में यूपी ने मचाया धमाल। छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय खेलों में यूपी का जलवा। यूपी की कबड्डी टीम बनी चैंपियन। पहली बार राष्ट्रीय खेल में जीता गोल्ड। सीएम योगी ने कबड्डी टीम को दी बधाई। सीएम योगी ने कप्तान राहुल चौधरी से की बात। सीएम योगी ने पूरी कबड्डी टीम को सराहा। भारतीय वायुसेना के बेड़े शामिल हुए देश में विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर। स्वदेशी रूप से निर्मित 10 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों को जोधपुर में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। इन हेलीकॉप्टरों का नाम प्रचंड रखा गया। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस जनरल अनिल चौहान और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी उपस्थित रहे। बेड़े में शामिल किए जाने के बाद रक्षा मंत्री ने कहा कि ये हेलीकॉप्टर दुश्मन को चकमा देने, गोला बारूद ले जाने और उसे तुरंत घटना स्थल पर पहुंचने में सक्षम है। ये हमारे सशस्त्र बलों की जरूरतों को पूरी तरह से पूरा करने हमारी सेना और वायुसेना दोनों के लिए एक आदर्श प्लेटफॉर्म है। शूटर दीपक तीनू पुलिस हिरासत से फरार। पंजाब के कपूरथला जेल से मानसा के सीआईए स्टाफ ऑफिस में रिमांड पर पुलिस द्वारा निजी वाहन में लाया गया शूटर दीपक तीनू पुलिस हिरासत से हुआ फरार। मूसेवाला हत्याकांड में आरोपी था शूटर दीपक तीनू। गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई गैंग का है शूटर दीपक। अंकिता हत्याकांड की एसआईटी प्रभारी पी रेणुका ने दिया बयान। अंकिता हत्याकांड में गठित एसआईटी की प्रभारी पी रेणुका देवी ने बताया, अब तक की विवेचना में जो साक्ष्य मिले हैं वे हमारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का समर्थन कर रहे हैं और जिन गवाहों से पूछताछ की उसमें कुछ अलग नहीं आया है। रिजॉर्ट के कमरों को अलग अलग श्रेणियों में रखा गया है। सबसे ऊंचे श्रेणी वाले कमरों को वीआईपी कहते हैं। पीएम मोदी ने अखिलेश यादव से बात की। पीएम मोदी ने अखिलेश यादव से फोन पर बात की। पीएम ने अखिलेश यादव से बात कर मुलायम सिंह का जाना हाल, मेदांता आईसीयू में भर्ती मुलायम सिंह यादव की हालत नाजुक बताई जा रही है। भूकंप के झटकों से हिला उत्तरकाशी, डर से सहमे लोग। उत्तरकाशी में महसूस किए गए भूकंप के झटकों से डरे लोग घर से बाहर निकले। फिलहाल जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। 10:43 पर महसूस हुए झटके। बिहार जनता दल ने जारी किया चेतावनी पत्र। बिहार में नेतृत्व को लेकर जारी सियासी ड्रामा अब नए मोड़ पर पहुंच गया है। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से एक चेतावनी पत्र जारी किया गया है। ये पत्र बिहार के उनके लिए है जो लगातार नेतृत्व के सवाल पर कयासबाजी लगा रहे हैं। गृह मंत्रालय ने फरहतुल्ला गौरी को यूपी एक्ट के तहत घोषित किया आतंकी। खास बात यह है कि सुरक्षा एजेंसियों ने हाल ही में फरहतुल्ला गौरी का स्केच जारी किया था। फरहतुल्ला गौरी हैदराबाद के कुरमागुड़ा का मूल निवासी है। वह 1994 में विदेश भाग गया था, तभी से सुरक्षा एजेंसियां इसकी तलाश कर रही थी। फरहतुल्ला गौरी भारत से भागकर सबसे पहले सऊदी अरब गया और फिर 2015 में सऊदी अरब से पाकिस्तान चला गया। वहां पर वह जैश ए मोहम्मद में शामिल हो गया और तभी से पाकिस्तान की धरती से भारत में आतंकी गतिविधियों के लिए धन मुहैया कराता रहा है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में फरहतुल्ला गौरी के पाकिस्तान में छुपे होने की पुष्टि की गई है। गुजरात में वापसी कर सकती है बीजेपी।
वैसे तो सभी राजनीतिक पार्टियां गुजरात चुनाव की तैयारी में जोर शोर से जुटी हैं। आप पर कांग्रेस सभी अपना अपना पूरा जोर लगा रही है। सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी की तरफ से जहां बीजेपी मोदी रैलियां कर रहे हैं, वहीं पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान तथा आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल भी पीछे नहीं हैं। दरअसल सी वोटर की तरफ से किए गए ओपिनियन पोल में 182 सीटों वाले गुजरात में बीजेपी को 47% वोट मिलने का अनुमान जताया है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने गुजरात के लोगों को लुभाने के लिए कई गारंटी दी है। आपने लोगों से मुफ्त बिजली पानी समेत कई और वादे किए हैं। इसके साथ ही केजरीवाल ने दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर मुफ्त शिक्षा और इलाज का भी वादा किया है। पुणे रेलवे स्टेशन पर हाई टेंशन तार की चपेट में आने से व्यक्ति झुलसा। पुणे रेलवे स्टेशन पर हाई टेंशन तार को पकड़ने से एक व्यक्ति झुलसा। तार पकड़ते ही हुआ जोरदार विस्फोट। व्यक्ति 80% जल चुका है। उसकी हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज चल रहा है। इस घटना का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में यह दिख रहा है कि कैसे देखते ही देखते शख्स को करंट लग जाता है और वह वहीं गिर जाता है। विदेशी युवती की कानपुर हैलेट अस्पताल में मौत। एक्सीडेंट में घायल विदेशी युवती की मौत। 1 माह से कानपुर हैलेट अस्पताल में चल रहा था इलाज। यूक्रेन की नागरिक युवती उन्नाव में सड़क हादसे में हुई थी घायल। क्रिस गेल ने उठाया गरबा का भरपूर लुफ्त। यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल फिलहाल लीजेंड्स लीग में हिस्सा लेने के लिए भारत में ही हैं। उनके साथ गुजरात जॉइंट्स के भी कुछ खिलाड़ी हैं और वीरेंद्र सहगवाग ने भी गरबा का लुफ्त उठाया। क्रिस डांस के दौरान महिला कलाकार से पूरी तल्लीनता से स्टेप सीखते भी दिखे। शिक्षकों के तबादलों को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट का अहम फैसला। स्थानांतरण नीति के अभाव में शिक्षकों का अंतरजनपदीय स्थानांतरण नहीं रोका जा सकता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बेसिक एजुकेशन एक्ट 1972 के रूल 8 का क्रियान्वयन किसी नीति के अभाव में रोका नहीं जा सकता है। तेहरान से चीन जाने वाली फ्लाइट ने दिल्ली में इमरजेंसी लैंडिंग की अनुमति मांगी। ईरान के तेहरान से चीन जाने वाली प्लेन के पायलट ने ग्वांगझू के रास्ते में महान एयर ने दिल्ली हवाई अड्डे के एटी से संपर्क किया। एयरलाइन ने बम की धमकी मिलने पर दिल्ली में तत्काल लैंडिंग की अनुमति मांगी थी। दिल्ली एटीसी ने विमान को जयपुर जाने का सुझाव दिया, लेकिन विमान के पायलट ने मना कर दिया और भारतीय हवाई क्षेत्र छोड़ दिया। भगवत गीता पार्क में खालिस्तानी आतंकवादियों ने किया तोड़फोड़। नीरज श्रीवास्तव कनाडा में भारत के पूर्व उपदूत ने शनिवार को कनाडा के ब्रैम्पटन में श्री भगवत गीता पार्क साइन बोर्ड को तोड़े जाने के लिए खालिस्तानी आतंकवादियों को दोषी ठहराया है और कहा कि इस तरह की घटनाएं पहले भी हुई हैं। श्रीवास्तव ने कहा कि यह पहली बार नहीं है जब कनाडा में इस तरह का घृणा अपराध हुआ है। स्वीडन के वैज्ञानिक स्वंते पावो को मिला नोबेल पुरस्कार। फिजियोलॉजी और मेडिसिन के सम्मान के साथ आज से नोबेल पुरस्कारों की घोषणा शुरू हो गई। शेड्यूल के मुताबिक 6 दिन में नोबेल पुरस्कार के शेड्यूल के मुताबिक 6 दिन में 6 पुरस्कारों के ऐलान होंगे। ये पुरस्कार चिकित्सा रसायन, भौतिक विज्ञान, साहित्य, अर्थशास्त्र और शांति के क्षेत्र में दिए जाते हैं। मंगलवार को भौतिक विज्ञान, बुधवार को रसायन विज्ञान और गुरुवार को साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। पाकिस्तान में हिंदुओं का अंतिम संस्कार करना हुआ मुश्किल। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में महिला के अंतिम संस्कार के बाद अज्ञात लोगों द्वारा कथित तौर पर अस्थियों से बेअदबी किए जाने से गुस्साए अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के सदस्यों ने किया धरना प्रदर्शन। हिंदुओं के साथ एकजुटता प्रदर्शित करते हुए मुस्लिम धर्म गुरुओं और राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। ऐसे में अधिकांश हिंदुओं ने शवों को जलाने के बजाय दफनाना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हिंदुओं ने महंगाई को लेकर अपनी पीड़ा व्यक्त की। हिंदुओं ने कहा था कि वे महंगाई के कारण दाह संस्कार करने के बाद भी अस्थियों को गंगा में प्रवाहित नहीं कर पा रहे हैं। चीन की सेना में फाइटर जेट पायलटों की कमी।
चीन की नौसेना इन दिनों फाइटर जेट पायलटों की कमी से जूझ रही है। दुनिया की सबसे दूसरी ताकतवर सेना मानी जाने वाली चीन की नौसेना इन दिनों लड़ाकू जेट पायलटों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रही है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।